हमारे मन में कंफ्यूजन होता है कि SBI बैंक का डेबिट कार्ड यदि हम पोस्ट ऑफिस से नहीं लेते हैं तो वो डेबिट कार्ड क्या ब्रांच में जाएगा या किसी दूसरी एड्रेस पे जाएगा। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि यदि आप डेबिट कार्ड को पोस्ट ऑफिस से नहीं लेते हो तो स्क्रीन पे मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ, उस पे एक एड्रेस लिखा हुआ है, उस एड्रेस पे वो डेबिट कार्ड आपका पहुंच जाएगा। यदि आपका डेबिट कार्ड डिलीवर नहीं होता है तो SBI बैंक की गाइडलाइन है कि इस एड्रेस पे वो डेबिट कार्ड भेज दिया जाए। कुछ साल पहले क्या होता था, जब आपका डेबिट कार्ड पोस्ट ऑफिस से डिलीवर नहीं होता था तो वो सीधा होम ब्रांच में चला जाता था। जैसे आपकी जयपुर में कोई ब्रांच है और जयपुर में पोस्ट ऑफिस है, अब पहले वो पोस्ट ऑफिस में आता था, उसके बाद में यदि आपने पोस्ट ऑफिस से नहीं लिया वो डेबिट कार्ड तो वो आपकी होम ब्रांच में चला जाता था। ब्रांच वाले आपको कॉल करते थे, सर आपका ATM कार्ड आ गया, आप ATM कार्ड ले लीजिए। लेकिन 2023 में ऐसा हो रहा है, यदि पोस्ट ऑफिस से नहीं लेते हो तो इस एड्रेस पे चला जाएगा जो SBI बैंक के द्वारा उस डेबिट कार्ड पे पीछे लिखा हुआ होता है, जो लिफाफा आता है ना उसके पीछे एड्रेस पूरा लिखा हुआ आता है, उस एड्रेस पे वो डेबिट कार्ड भेज दिया जाता है। अब आपके मन में वो सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे कि हमारा डेबिट कार्ड ब्रांच जाएगा, पोस्ट ऑफिस जाएगा या वापस SBI बैंक की जहां से डेबिट कार्ड आया है वहीं पे चला जाएगा। तो ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।